सो हेलो फ्रेंड्स, एक और कॉलेज का रिव्यू आ चुका है। इस कॉलेज का नाम है सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन्स। तो एक जन ने रिक्वेस्ट किया था कि ये कॉलेज पे वीडियो बनाने, इसलिए मैं बना रहा हूँ सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी फॉर मीन्स गर्ल्स है, गर्ल्स लोग के लिए अच्छा कॉलेज है ये। और ये तो इसका हर एक चीज मैं डिटेल्स में बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और पूरा डिटेल्स के साथ इस कॉलेज का रिव्यू करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप देख लीजिए सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन कहाँ पे है। ये आपका आपको एड्रेस समझ में नहीं आएगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सियालदह। सियालदह में सियालदह स्टेशन बाय 5 मिनट वॉकिंग आपको लगता है, 5 मिनट्स, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है आपका सियालदह। जैसे सियालदह बेस से उतरने से ही आपका ये कॉलेज आ जाता है। ठीक है, और एमजी रोड बाय एमजी रोड बहुत सारे बस जाते हैं, बस से एमजी रोड जाओगे तो एमजी रोड से भी वॉकिंग डिस्टेंस है, एमजी रोड में ही है पूरा। ठीक है, तो लोकेशन आपको पता चल गया। यहाँ कॉलेज का फोन नंबर है, मे बी कॉलेज आवर्स जो होता है 10 से 4 उसके बीच में ये फोन रिंग करे। ठीक है, और वेबसाइट के बारे में जानना है तो वेबसाइट ये जो फर्स्ट में जो दिख रहा है आपको, ये यही एक इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे क्लिक करके मुझे सारा डिटेल्स यहीं से मुझे आपको बोलना है। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले मैं कोर्स ऑफर बता दूं, लोकेशन के बाद कोर्स ऑफर। कोर्स ऑफर आप देख सकते हो कि ऑनर्स आप कर सकते हो किस किस चीज में, इंग्लिश में, बंगाली में, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, एजुकेशन ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो। इसका ये पता चल रहा है कि BA, BSc, बीकॉम तीनों ही कर सकते हो। और आप जनरल करना चाहते हो तो इंग्लिश है, बंगाली है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एडुकेशन है, फिलोसॉफी है, संस्कृत है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, उर्दू है, जियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है एंड बीकॉम जनरल भी कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे उसके बाद आप टाइमिंग देख लो, मॉर्निंग कॉलेज है इसका, 7 सुबह 7 से 2 बजे तक है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको, लोकेशन पता चल गया आपको, कोर्स ऑफर पता चल गया और आपको टाइमिंग पता चल गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप मेन प्रोसेस पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर देख लेते हैं आप, हर एक सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, BA ऑनर्स कर रहे हो तो, अगर आप बंगाली ऑनर्स कर रहे हो, बंगाली बी ए ऑनर्स कर रहे हो तो 50% आपका टोटल होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब इतना आपको चाहिए ही चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये मार्क्स लाने से एडमिशन कंफर्म नहीं है, ये पहले बता दो। इसकी मार्क्स से आपको, जैसे गोयनका में 75% मिनिमम आपको चाहिए तब आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन 75 में गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन ही होगा। ठीक है, यही है, 50% आपका टोटल में मार्क्स होना चाहिए और 45% बंगाली में होना ही चाहिए। ठीक है, या फिर 30% टोटल में होता है बंगाली, या फिर 30% टोटल बंगाल में टोटल आता है लेकिन बंगाली में 55% होता है तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का क्राइटेरिया। अगर कोई अदर बोर्ड से हो, CBSE, ICSE, तो उसका थोड़ा ये जो यहाँ सेकेंड ऑप्शन में थोड़ा ज्यादा है, इसको 40% ओवरऑल में मांग रहा है आपको। ठीक है, और 50% ग्रेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, अब एडुकेशन, एडुकेशन में ऑनर्स कर रहे हो तो आपको जो कैंडिडेट के पास एडुकेशन ऑलरेडी है वेस्ट बंगाल में, उसको 50% टोटल में चाहिए और 45% एडुकेशन में चाहिए, या फिर 30% टोटल में और 55% एडुकेशन चाहिए। जिसके पास एडुकेशन नहीं था 12th में, तो उसको 50% टोटल में 45% रिलेटेड सब्जेक्ट, मीन्स एडुकेशन के साथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको 45% लाना पड़ेगा, या फिर 30% टोटल, 55% ओवरऑल मीन्स के रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, वही आप अदर अदर बोर्ड में आप देख ले, सेम है 50 45 40 55। कैंडिडेट विदाउट में आपको क्या होगा, रिलेटेड सब्जेक्ट में सेम कॉम्बिनेशन वही है, 50% टोटल में, 45% रिलेटेड में, या फिर 40% टोटल में, 55% रिलेटेड में। इंग्लिश में भी सेम है, 50% टोटल में लाना, 45% इंग्लिश में, और या फिर 30% टोटल, 55% इंग्लिश में। ओवरऑल देखा जा रहा है कि जो सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स करना है उस सब्जेक्ट, उसका हर एक में एक ही क्राइटेरिया है, ऑलमोस्ट 50% आपको टोटल चाहिए या और 45% उस सब्जेक्ट में चाहिए, या फिर 30% टोटल में चाहिए और उस सब्जेक्ट में 55 चाहिए। ठीक है, या फिर जिसके पास ज्योग्राफी ऑनर्स, मीन्स ज्योग्राफी में अलग थोड़ा केस है, अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाह रहे हो लेकिन आपका 12th में ज्योग्राफी नहीं है तो टोटल 50% आपको चाहिए एटलीस्ट फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया। हिस्ट्री में आपको सेम हिस्ट्री, अगर आप बाकी दो तो सेम ही है जैसे पहले पहले का था, लेकिन आपका अगर हिस्ट्री नहीं है 12th में तो आपको 50% एटलीस्ट टोटल में लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जर्नलिज्म में क्या है, आपका सेम है, दोनों जैसा सेम है ऊपर में वैसे ही सेम है। ठीक है, अब फिलोसफी, फिलोसफी में आप देखिए, जिसका फिलोसफी था उसको
50% टोटल चाहिए या 45% फिलोसफी में चाहिए, या फिर 30% टोटल 55% फिलोसफी। इधर भी वही केस सेम है, बस यहाँ पर 40% टोटल में चाहिए अगर विथआउट ये मीन्स की वेस्ट बंगाल बोर्ड से अगर आप पास नहीं करते, ये वाला कॉलम आप उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर जिसका फिलोसफी नहीं है तो 50% टोटल में चाहिए आपको, 45% रिलेटेड में, 30% टोटल में, 55% रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो फिलोसफी के साथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है पढ़ना पड़ता है उसको उसमें, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, वही आपका पॉलिटिकल साइंस में आप देखो तो सेम है, जैसे ऊपर में वैसे ही सेम है, बस आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं है 12th में, आपको 50% टोटल में लाना पड़ेगा, जैसा कि ऊपर में भी था हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ। संस्कृत में सेम है जैसा ऊपर बंगाली के साथ था, उर्दू में भी सेम है, सेम क्राइटेरिया अगर आप उत्तर ऑनर्स करना चाहते, ठीक है। वही आप जाते हैं बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में क्या क्राइटेरिया, इकोनॉमिक्स में क्राइटेरिया है ये है 50% आपको टोटल में चाहिए और 45% इकोनॉमिक्स में चाहिए एंड 30% इन मैथ्स, मैथ्स में भी चाहिए आपको 30%, मीन्स कि इससे ये पता चल रहा है कि आपको मैथ्स कंपलसरी बोल रहा है, ठीक है, या फिर मैथ या बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें 30% एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर ये क्राइटेरिया फुलफिल आप करो या फिर ये करो, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल होगा तब आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के। अगर किसी का इकोनॉमिक्स नहीं है तो एटलीस्ट 50% टोटल में चाहिए और 30% मैथ में चाहिए ही चाहिए, या फिर ये चीज कंपलसरी है और ये दोनों मैथ या बिजनेस मैथ में से किसी एक में 30% आना ही चाहिए, ठीक है। अगर अदर्स बोर्ड्स में हो तो आपका सिमिलर सब कुछ सेम है, नहीं सेम है, 50% आपको टोटल चाहिए, 45% इकोनॉमिक्स में चाहिए, 40% मैथ और बिजनेस मैथ में से किसी एक में चाहिए, इसमें 30% है, इसमें 40% हो चुका है, इसमें आपका मोर और लेस 40% टोटल चाहिए, 55% इकोनॉमिक्स में चाहिए या फिर 40% मैथमेटिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट विदाउट इकोनॉमिक, इसमें इकोनॉमिक्स जिसका नहीं है 12 में लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो 50% आपको टोटल में आना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ आपका मैथ या बिजनेस मैथ किसी एक को एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12 में, उसमें 40% आपको स्कोर करना है। ज्योग्राफी के साथ सेम केस है जैसा ऊपर में था, मैथमेटिक्स में आपका सेम है, और बीकॉम में क्या करना होगा, 50% आपको टोटल आना है, 45% रिलेटेड मीन्स अकाउंट्स और में अकाउंट में लाना होगा, या फिर 30% एटलीस्ट पास करो या और 55% रिलेटेड में लाना पड़ेगा तभी आप अकाउंट्स ऑनर कर सकते। अदर बोर्ड में आपको 50% टोटल, 45% रिलेटेड में, और या फिर 40% टोटल में, 55% रिलेटेड में, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स का जो रिलेटेड सब्जेक्ट है ये सब है, ये किसी एक सब्जेक्ट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में। अब बीए आपको बीए जनरल करना चाहते हैं 30% बस लिया होगे हो जाएगा, आपको अदर बोर्ड से 40% मिनिमम लाना पड़ेगा। बीएससी करना चाहते हैं तो 30% टोटल 40 इसमें, और बीकॉम जनरल करना चाहते हैं 30% एग्रीगेट में चाहिए और 30% रिलेटेड में भी चाहिए, मतलब रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट में एटलीस्ट ये सब में 30 चाहिए, किसी में फेल आप नहीं कर सकते, और अदर बोर्ड से 40 40 दोनों। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए क्या है ना कि आपको 40% टोटल में चाहिए और 40% रिलेटेड सब्जेक्ट कोई भी चीज में करो तो, और SC ST विथ मिस अदर फॉर ऑल बोर्ड, अदर बोर्ड के लिए वो 40 40 चाहिए, और SC ST जो है वेस्ट बंगाल का वो उसको वेस्ट बंगाल में एटलीस्ट 30% टोटल चाहिए और अदर बोर्ड के लिए 40% चाहिए टोटल, मिनिमम क्राइटेरिया है ये, ठीक है। तो आपको एलिजिबिलिटी पता चल गया, मिनिमम क्राइटेरिया आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है देख लेते हैं एक बार। सिलेक्शन क्राइटेरिया वही चीज है आपका, मीन्स की आपका मेरिट के बेसिस में मार्क्स होगा कैलकुलेटेड कैलकुलेट होगा, ठीक है। जैसा उसमें बोला गया था, फॉर एग्जाम्पल बंगाली अगर आप ऑनर्स कर रहे हो तो आपका मार्क्स कैसे लेगा, टोटल लेगा प्लस बंगाली का परसेंटेज कंपलसरी लेगा वो, ठीक है। इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो एग्रीगेट तो टोटल तो लेगा ही, प्लस इकोनॉमिक्स मैथ या बिजनेस मैथ तीनों में से एक का सब्जेक्ट उसमें ऐड होगा ही होगा, उसका लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उस पर फिर वो मार्क्स टोटल करके आपका मेरिट लिस्ट निकालेगा, इस हिसाब से हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ठीक है, फीस स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये आपका 2020-2021 में इसके लास्ट ईयर का है, ये एक सेमेस्टर का, ठीक है, एक सेमेस्टर का फीस है। तो हर एक तो लगभग आपका 3 5 7 इसके आपका लगभग मिनिमम आपका बीकॉम बी ऑनर्स है विथआउट लैब वाला कोर्स में करोगे 3,000 में हो जाता है। उसके बाद आपका लगभग और सबसे हाईएस्ट आपका लगभग आपका इसमें जर्नलिज्म है लगभग, सॉरी जर्नलिज्म ऑनर्स आप कर रहे हो तो लगभग 8,000 लग रहा है, मीन्स की हर एक
कोर्स में लगभग 5,000-3,000 लग रहा है, 5,000-3,000 के लगभग में हर एक कोर्स आप कर लोगे पर सेमेस्टर है, हाँ याद रखना पर सेमेस्टर, लेकिन 8,000 के समथिंग आपको बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में लग रहा है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स कर रहे हो विदाउट लैब सब्जेक्ट तो आपका 3,000 हो जाएगा, अगर लैब ले रहे हो तो 5,000 समथिंग आ रहा है, तो ये सब मतलब 3,000 से 8,000 के अंदर पर कोर्स हो जा रहा है। अगर जर्नलिज्म नहीं लेते तो 3,000 से 5,000 पर सेमेस्टर आपका फीस है ये, ठीक है। तो आपको फीस पता चल गया, ठीक है। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लो, यही मेन चीज है। बंगाली में आपको हिस्ट्री एडुकेशन से कोई एक, इसमें से कोई एक, इंग्लिश में ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन। एडुकेशन अगर आप ले रहे हो तो ये तीनों सब्जेक्ट में से एक, ये दोनों में से कोई एक, ठीक है, ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा, दोनों में से कोई एक, दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक ही लेना। हिस्ट्री कर रहे हो तो ये चारों में से कोई एक लेना है, या फिर ये तीनों में से कोई एक, इस दो सब्जेक्ट इसके साथ आपको दो लेना है। वही बीएससी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स कंपलसरी है, मैथ के साथ इकोनॉमिक्स कंपलसरी है, और इकोनॉमिक्स के साथ मैथ कंपलसरी है, प्लस बाकी ये चारों में से कोई एक लेना है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स कंपलसरी है, बाकी तीन में से एक, मैथ में इकोनॉमिक्स स्टैट्स कंपलसरी है, और अकाउंटिंग फाइनेंस में जो ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट देता है वही लेके आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या चीज आपको पता चल गया। आपको लोकेशन पता चल गया, आपको कोर्स ऑफर पता चल गया, आपको एडमिशन प्रोसेस पता चल गया, क्राइटेरिया पता चल गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है पता, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता चल गया, फीस स्ट्रक्चर पता चल गया, और एप्लीकेशन स्टार्ट आपका 2 अगस्त से हो रहा है, ठीक है। उसी दिन आपका वीडियो आ जाएगा, लाइन बाय लाइन आ जाएगा, बहुत सारे वीडियो बनाने हैं उसी, तो मे भी लेट हो जाए, लेकिन आपको डेफिनेटली इस कॉलेज का भी आ जाएगा सिलेक्शन प्रोसीड्योर, मीन्स की एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद आपका मार्क्स आता है, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बचा है, इनटेक कैपेसिटी, फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मे बी शायद इसमें आपका फीस स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, ठीक है, मोरलेस फीस स्ट्रक्चर ये इनटेक कैपेसिटी अभी शायद नहीं दिया हुआ, सीट कैपेसिटी में भी जब फॉर्म निकले तब दे, उस वक्त मैं बता दूंगी, डेफिनेटली आपको हर एक चीज बता दिया हूँ, और फॉर्म फिलअप का वेट करिए, और ठीक है, और कोई और कॉलेज का वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करो या इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और डेफिनेटली हेल्प करूंगा। सो थैंक यू सो मच।